तो जय हिंद गाइस। तो आज बात करेंगे, एक बहुत बढ़िया टॉपिक है और हर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए। अगर आपको कोई पूछता है कि हेलीकॉप्टर क्या है, तो हमको हेलीकॉप्टर पता है, पर आज का एक नया कंसेप्ट है स्मेलीकॉप्टर। तो स्मेलीकॉप्टर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं चर्चा होती है तो यार बहुत, मेरे ख्याल से जब मैंने इसको स्टडी किया तो यार मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मैं चाहता हूँ कि यार आपको भी इसके बारे में जो है वो पता चले। तो ये गाइस, ये स्मेलीकॉप्टर जो है एक ड्रोन है जो वर्क करता है स्मेल पे, यानी इसके नाम पे आपको दिखेगा स्मेल, तो ये स्मेल पे वर्क करता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे आप देखेंगे। तो ये क्या करता है, स्मेल की वजह से जो सिग्नल्स होते हैं वो कैप्चर करता है। अब यहां पे इस स्मेलीकॉप्टर पे जो यूज किया जाता है वो इंसेक्ट का यूज किया जाता है, यानी जो मक्खी होती है ना, मक्खी जैसा एक इंसेक्ट है जिसको हम मौत कहते हैं। एक्चुअल में इसका नाम जो है वो मोंडुका सेक्स्टा है, जो हम यूज कर रहे हैं इस स्मेलीकॉप्टर में। तो ये ड्रोन में इस इंसेक्ट का जो है वो एंटीना यूज किया जाता है। अब देखिए, यूज एंटीना फ्रॉम द लाइव मॉथ, जो मक्खी होती है, लाइव मक्खी होती है उसके ऊपर जो एंटीना होता है, मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूंगा, उसमें आपको दिख जाएगा वो जो एंटीनाज होते हैं, उस एंटीनाज का जो है वो यूज किया जाता है टू स्निफ आउट द टारगेट। तो जो टारगेट है वहां तक पहुंचने तक जो है, पहुंचने के लिए हमें जो है उस एंटीना का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले ये स्मेलीकॉप्टर एक ड्रोन है जो स्मेल पे वर्क करता है, जो सिग्नल को कैप्चर करता है, और यहां पे लाइव इंसेक्ट का हम यूज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है गाइस। और यहां पे जो है वो हम एंटीना का यूज कर रहे हैं, जो माउथ यानी मक्खी जो है, मौत है जो मक्खी है, उसके पास जो एंटीनाज होते हैं उस एंटीनाज का यूज कर रहे हैं हम हमारे टारगेट तक पहुंचने के लिए। तो देखिए, तो ये जो मौत होती है यानी जो मक्खी होती है, यूज एंटीना, उसके ऊपर एक एंटीना लगा होता है जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, इन द एनवायरमेंट टू सेंस द केमिकल्स। तो वो क्या करती है, मक्खी जो एनवायरमेंट पे केमिकल्स होती है वो केमिकल्स को वो जो है वो एंटीना कैप्चर करती है। अब अगर कोई मक्खी है और किसी फ्लावर पे जा रही है, वो फ्लावर अगर मान के चलो कि उसमें जो केमिकल है वो डेंजर है, तो वो सेंस कर लेगा कि ये डेंजर है, वहां पे जाना नहीं है, अच्छा केमिकल्स हो वहां पे जाएगी, वो जो है वो उसका जूस जो है वो ले लेंगी। तो ये स्पेशली जो है वो एंटीनास के काम होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं, जो केमिकल्स के सिग्नल्स होते हैं वो कैप्चर करना। तो फिर साइंटिस्ट को लगा कि क्यों ना इसका भी यूज किया जाए, और हमें जो है वो स्मेलीकॉप्टर इन्होंने बना दिया। अब ये इसके एंटीनास का यूज कैसे किया जाता है वो भी हम देखेंगे। तो जो मौत होती है उसको सबसे पहले फ्रीज किया जाता है, फ्रीज किया जाने के बाद एनेस्थेटिसाइज किया जाता है, और उसके जो एंटीनाज है उसके ऊपर जो लगे हुए जो दो एंटीनाज होते हैं या किसी पे एक होता है, तो वो एंटीना निकाला जाता है। अब इसकी जो एंटीना जो उसके ऊपर लगे होते हैं, मौत के ऊपर जो लाइव इंसेक्ट है उसके ऊपर जो एंटीनाज लगे होते हैं, इसकी खास बात गाइस ये होती है कि इट रिमेन बायोलॉजिकली एंड केमिकली एक्टिव। तो ये बायोलॉजिकली, इसको निकालने के बाद भी ये 4 घंटे तक जो है वो बायोलॉजिकली और केमिकली जो है वो एक्टिव रहते हैं। अब देखिए गाइज, उन्होंने क्या किया है, ये जो है वो एंटीनाज इस ड्रोन में जो है वो बिठाए हैं, वो ड्रोन पे बिठा के बाद जो है इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। अब इन्होंने इस ड्रोन पे आर्टिफिशियल सेंसर भी लगाए, और ये जो लाइव सेंसर है यानी जो एंटीना की बात कर रहे हैं वो भी लगा के देखे, इसका भी यूज किया। तो इसके ऐसे ख्याल में आए इनके कि या जो इन्होंने लाइव सेंसर जो लगाए हैं ये रिस्पॉन्स फास्टली रिस्पॉन्स करते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। इसी के साथ ये स्मॉल है, लाइट वेटेड जो ड्रोन बनता है हमारा, जहां पे हम मौत के एंटीना का यूज कर रहे हैं, तो ये स्मॉल होता है, लाइट वेटेड, और इसको बिजली भी जो है वो भी कम लगती है। और इसकी खास बात गाइस ये है कि मान के चलो यहाँ पे एक एरिया है, मैंने यहाँ पे एक एरिया निकाला, यहाँ पे हमारा एक टारगेट है, यहाँ पे अगर कोई चीज हमें ढूंढना है, और ये हमारा यहाँ पे ड्रोन है, कौन सा स्मेलीकॉप्टर ड्रोन है, जहां पे हमने इस इंसेक्ट के दो एंटीनाज लगाए हैं, अंदर इसके एंटीनाज है, तो ये सेंस करता करता जाएगा। यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है, मान के चलो ये यहाँ पे गया, यहाँ पे अगर ऑब्स्टेकल्स आ गया तो ये ऑब्स्टेकल्स को भी क्रॉस कर सकता है। तो यहाँ पे ये जाएगा, इधर से जाएगा, इसको दिखेगा कि यहाँ से थोड़ी गैप है, तो यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से, तो इस प्रकार अगर ऑब्स्टेकल्स भी यहाँ पे आते हैं तो कहीं ना कहीं से अगर जगह उसे मिलती है तो जाके वो जो है उस टारगेट पे जो है वो पहुंच जाता है। अब इसके अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो रिसर्च एंड रेस्क्यू के लिए जो है वो यूज किया जाएगा इस स्मेलीकॉप्टर का। तो देखिए, अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है तो उसमें बहुत सारे इंसान ट्रैप हो जाते हैं, तो हम स्निफर डॉग का यूज करते हैं कि कहां कहां कौन कौन से इंसान ट्रैप हुए हैं। तो इसकी जगह गाइस अगर हम स्मेलीकॉप्टर का यूज करेंगे तो वो सेंस लगा देगा, सेंसर की मदद से, यानी जो लाइव इंसेक्ट के जो एंटीनाज है इसकी मदद से वो जो ट्रैप हुए हुए पर्सन है उन्हें खोजने के लिए हम स्मेलीकॉप्टर का जो है वो यूज कर सकते हैं। उसी के साथ अगर एक्सप्लोजिव है, कहीं बॉम्ब है, तो उसके साथ जो केमिकल्स का सिग्नेचर आएगा, केमिकल का स्मेल आएगा, तो हम इस इंसेक्ट के एंटीना के मदद से जो है वो स्मेलीकॉप्टर के मदद से कहीं पे अगर बॉम्ब है तो उसे भी खोज
खोजा जा सकता है। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशंस है। तो अल्कोहल का भी एप्लीकेशंस है कि जो मार्स है वहां पे जो है वो भी उसका एप्लीकेशंस है। तो गाइज देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक इंसेक्ट के एंटीना का यूज करके इन्होंने एक स्मेलिकॉप्टर बनाया है जो स्मेल पे जो है वो वर्क करता है। यानी कितनी रिसर्च जो है वो कितनी आगे बढ़ रही है। तो ऐसी चीजें यार स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि स्मेलिकॉप्टर क्या है, क्या क्या साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। तो इसीलिए ये वीडियो जो है मैंने ऐसी वीडियो जो है वो बना रहा हूं गाइस। मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस।